राजपूत सिंह भाजपा के पास है कोई जवाब? मझगवा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में इतनी भीड़ कम क्यों थी? इस सभा में मुख्यमंत्री शिवराज भी थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र शुक्ला भी थे। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जबकि इसे चुनावी यात्रा भी कहा जा सकता है। इस यात्रा का शुभारंभ मध्य प्रदेश में सतना की धरती से किया गया। चित्रकूट विधानसभा के मझगवां से यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा का शुभारंभ करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए। भाजपा नेताओं ने ही बताया, जेपी नड्डा के लिए या उनकी सभा के लिए जो पंडाल लगाया गया, पंडाल बनवाया गया था, उस पंडाल की लागत 78 लाख रुपए आई है और भीड़ के नाम पर 7800 लोग भी नहीं एकत्र हुए। यह यात्रा सतना के सातों विधानसभा में 3 दिनों तक घूमती रही। मझगवां के बाद आगे की यात्रा को घुमाने की अगुवाई का जिम्मा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों में था, मगर भाजपा नेता दावा कर रहे हैं सातों विधानसभा में कहीं पर भी वह भीड़ नहीं देखी गई जिसकी उम्मीदें भाजपा नेताओं को थी। इससे भाजपा नेताओं के माथे पर बल आने लगा है। शायद भाजपा अभी प्रत्याशी घोषित भी इसलिए नहीं कर रही है ताकि सभी दावेदार भीड़ जुटाने में अपना दम दिखाएं। सभी के दम दिखाने के बावजूद भीड़ नहीं जुटी तो फिर आगे की राह आसान कैसे होगी? वैसे बिन मांगे भाजपा नेताओं को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, जन आशीर्वाद यात्रा की जगह भाजपा नेता बिना नाम की यात्रा निकालें और आम जनता को बताएं, यह जो चमचमाती सड़क है आपके शहर में, आपके गांव में, वो हमने बनवाई है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में यह जो विकास दिख रहा है, यह भाजपा सरकार की देन है। उससे जनता को समझ में आएगा 18 साल की शिवराज सरकार ने क्या क्या विकास किया है और आम जनता ने क्या क्या विकास पाया है। बाकी जन आशीर्वाद यात्रा में 20 फीट ऊपर आसमान की तरफ गाड़ी पर लदकर खड़े होकर जब मंत्री और नेता हाथ हिलाते हैं तब कहीं ऐसा नहीं लगता कि यह नेता मंत्री जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है अभी भी यह जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं और ऐसा कह रहे हो कि एक बार और भाजपा सरकार को मौका दो। गैस सिलेंडर 2000 में देंगे, पेट्रोल 200 रुपए में मिलेगा, अरहर दाल 200 पार का रिकॉर्ड किस सरकार ने बनाया, टमाटर 250 पार का रिकॉर्ड किस सरकार ने बनाया, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें महंगाई दूंगा, शायद इस नारे पर काम कर रही है यह सरकार।